इस समय आईसीएसई एंड आईएसई 2023 के बोर्ड एग्जामिनी के लिए मैं दो बातें बताना चाहूंगा। पहला, स्पेसिमेन पेपर जो सीआईएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिए, और दूसरा रिड्यूस सिलेबस को लेकर। तो बात कर लेते हैं स्पेसिमेन पेपर को लेकर। ये स्पेसिमेन पेपर एक इंडिकेशन है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या ओवरऑल क्वेश्चन का एक नेटिव पैटर्न क्या होगा। और इसमें चेंजेज की गुंजाइश जनवरी तक रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इसी तरह के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही पैटर्न फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेज होंगे क्या। तो आपको बता दूं कि अक्सर चेंजेज होते रहे हैं। पिछली बार भी टर्म वन और टर्म टू, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू में बोर्ड एग्जामिनेशन के जो स्पेसिमेन पेपर यानी सैंपल पेपर रिलीज किए गए थे और जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आए थे यानी बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू में काफी डिफरेंट थे, और इससे पहले भी ऐसे होते रहे, कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है। इसीलिए जो रियल टेक्स्ट बुक है और 10 ईयर्स को मैं बार बार पढ़ने के लिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस पर पूरी तरह से तैयारी कीजिए, फोकस कीजिए कंटेंट ओरिएंटेशन की ओर। और सेकेंड पॉइंट है कि जो भी स्पेसिमेन पेपर के साथ साथ रिड्यूस सिलेबस है, तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से भी आपकी स्टडी होगी, और ये स्टडी बहुत हद तक इफेक्टिव हो सकती है, या इसको लेकर आप कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव स्टडी काफी कुछ कारगर भी हो जाएगी। तो इन बातों को ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से वर्क करने हैं, क्योंकि 2023 एक ऐसा ईयर होने वाला है जब सीआईएससी अपने पूरे अपहिवल के साथ ओरिजिनल यानी नेटिव फॉर्म में जाएगी बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए। यह चैलेंजिंग ईयर भी होना है, और इसमें जो 2022 में चेंजेज किए गए बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, इसको एकोमोडेट करने के कारण सिलेबस के जो रिडक्शन हुए हैं, कुछ सिलेबस के रिडक्शन हुए हैं, कहीं पर 2%, कहीं पर 5%, कहीं पर 10%, कॉमर्स स्ट्रीम आईएससी, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम आईएससी और आईसीएसई के लगभग सभी सब्जेक्ट में हुए हैं सिलेबस के रिडक्शन, और ये सिलेबस के रिडक्शन अक्सर अलग अलग पैटर्न पर हुए हैं। तो वहां पर स्टूडेंट को थोड़ी बहुत रियायत दी गई है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन आईसीएसई एंड आईएससी के आने हैं, साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए 70 मार्क्स के, और कुछ सब्जेक्ट में थोड़े से वैरी करते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, पीएचई हो गया। तो इन सब की बातों को आप एक्सेप्शन टू द रूल ले लें, तो भी स्टूडेंट की जो तैयारी है वो अटमोस्ट ग्रेटनेस के लेवल पर होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिलेबस के रिडक्शन को अच्छी तरह से देख लीजिए और उन टॉपिक को टच कीजिए जो सिलेबस में लिखे गए हैं, या सिलेबस के अंतर्गत जो भी टॉपिक के रिलेटेड सब टॉपिक होते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि यही आपके जेस्ट होंगे जिसके आधार पर क्वेश्चन को दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। और स्पेसिमेन जो सैंपल पेपर हैं इनको बना लेने से या स्पेसिमेन पेपर को बना लेने से स्टूडेंट में एक बूस्टनेस आएगा कि हाँ, उनके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है इसको लेकर किसी तरह से वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी, वो एक यूज टू कंडीशन में होंगे। जो चेंजेज आएंगे मैं आपको समय के साथ अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि चेंजेज आने की संभावना रहती है। इसीलिए आईसीएसई में कॉमर्स स्ट्रीम है या साइंस स्ट्रीम आईएससी के स्टूडेंट के लिए जो 10 ईयर्स है, इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, या फिर आईसीएसई के इन 10 ईयर्स का मैं डिटेल रिव्यू सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी लाने जा रहा हूं, तो इसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में परचेजिंग दिया हुआ है, जहां पर कि 50-60% अमेजॉन पर इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो बने रहिए, मेक द ब्लैक थंब ब्लू, एंड जितने भी ब्यूटीफुल सजेशंस आपके 2023 एग्जामिनेशन के लिए, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।